नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। कुछ महिलाओं के लिए सुरक्षा का कानून तो है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और पति और पति के घर वालों के लिए एक हथियार के रूप में इस कानून का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कि पति और पति के घर वालों को वो परेशान कर सकें, उनसे अपनी मनमानी बात मनवा सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ जिसमें पत्नी ने अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन जो पति था उसने अपनी सूझबूझ से पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए इस फर्जी मुकदमे को रद्द करा दिया और मामले को खत्म कर दिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं जो आप लोगों का काफी हौसला बढ़ाएगा। आपके ऊपर भी यदि ऐसा ही फर्जी मामला हुआ है तो इस मामले से आपको जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ आपका हौसला भी बढ़ेगा कि किस किस प्रकार से पति परेशान हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं और झूठे मुकदमों में जीत भी हासिल कर रहे हैं। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब नाम से ही आप समझ सकती हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या जानकारियां दी गई हैं। इस किताब में ऐसे पति जो झूठे मैट्रिमोनियल केसेस से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें कुछ बताने वाला नहीं है, वो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं झूठे मुकदमों के चक्कर में पड़ के। तो ये उन्हीं की हेल्प के लिए ये किताब लिखी गई है और आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनके संबंध में इस किताब में आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 498A का जो केस है उसमें क्या प्रक्रिया चलता है, उसमें आपको क्या करना है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, डाइवोर्स कैसे लेना है, डाइवोर्स केस में पक्ष कैसे मजबूत करना है, डाइवोर्स केस की प्रक्रिया कैसे चलती है, मेंटेनेंस केस में अपना पक्ष कैसे मजबूत करना है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, उसमें जवाबदेही कैसे देनी होती है, अंतरिम भरण पोषण देने से कैसे बच सकते हैं, भरण पोषण देने से कैसे बच सकती हैं, DV के केस में अपना पक्ष कैसे मजबूत करें, उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, आपको कैसे उसकी जवाबदेही देनी होती है, तो सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस सेक्शन 9, इन सब मुकदमों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो ये जो मेरी किताब है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल सिद्ध होने वाली है। इसे आप पढ़ के काफी अच्छी जानकारी जुटा लेंगे जिससे कि आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और अपने पैसे भी बचा पाएंगे। तो देखिए, ये जो किताब है इसकी मूल्य ₹550 है, लेकिन अभी आपको ₹50 डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो किताब का मूल्य ₹500 है, साथ ही साथ ₹100 कोरियर चार्ज है। तो इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो ₹600 इस किताब का मूल्य है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा, मैं बुक बाई करना चाहता हूँ, आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो जजमेंट है वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। तो ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, रूलिंग जजमेंट है। और देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो रवि कुमार वर्सेस श्रीमती पंकजा के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है उसका पति से पहले ही 498A मेंटेनेंस का केस, ये सब केस चल रहा होता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वो जाके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पति और पति के घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा देती है, जबकि जो पत्नी होती है पति के साथ ही रह रही होती है। और अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का जो वो केस दर्ज कराती है उसमें वो बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन मेन जो आरोप लगाती है वो अपने सास के साथ वो नहीं रहना चाहती है, उससे उसकी नहीं बनती है, तो इस कारण से उनके ऊपर कुछ आरोप लगाती है। साथ ही साथ आरोप लगाती है कि उसका जो मेंटेनेंस का केस है उसमें ₹8,000 प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश हुआ है, उसे केस को वापस लेने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, जो कानून की दृष्टि से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही आरोप कुछ लगा के वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जाके पति के ऊपर केस दर्ज करा देती है। इसके बाद देखिए, जो पति होता है वो हाई कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध जाता है रद्द कराने के लिए इस जो केस है उसको।
अब पति की तरफ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते हैं कि देखिए पत्नी जो है उसका आदत बन गया है केस दर्ज कराना। कई बार उसने केस दर्ज कराए, एक दो बार केस भी दर्ज हुआ, महिला थाने में भी कंप्लेन किया, वहां भी काउंसलिंग हुई। तो पत्नी का ये आदत हो गया है बार बार पति के ऊपर केस दर्ज कराना, पति को परेशान करना। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उससे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कोई अपराधी नहीं बन रहा है। जो भी आरोप लगी है उनके तहत किसी प्रकार का कोई अपराध जो होता है उसका पता नहीं चल रहा है, सिर्फ लग ही जा रहा है कि फंसाया गया है। पत्नी ने जो मेन आरोप लगाया है वो यही लगाया है कि उसका जो मेंटेनेंस का केस था उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था पति के द्वारा, पति के माता के द्वारा, पति के बहनों के द्वारा। तो यही मेन आरोप है, बाकी कोई अन्य ऐसा आरोप नहीं लगा है कि उससे दहेज मांगा जाता था, परेशान किया जाता था, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है घरेलू हिंसा के केस में। हाँ, जो अन्य 498A का केस चल रहा है उसमें ये सब बातें लिखी है, लेकिन DV के केस में ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही पाता है कि पत्नी जो है उसने दो तीन बार कंप्लेन भी किया है, उसकी आदत ये चीज बन चुकी है। साथ ही साथ पत्नी का 498A का केस चल रहा है और मेंटेनेंस का केस भी चल रहा है, जिसमें 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश भी हुआ है। पत्नी का कहना है कि पति जो है वो भरण पोषण नहीं देता है, लेकिन पत्नी ये नहीं कह रही है कि कभी नहीं दिया है। पति का ये कहना है कि हाँ वो भरण पोषण देता है, पत्नी साथ ही रह रही है। और साथ ही साथ जो पति ने ये रद्द के लिए केस लगाया है उसमें पत्नी हाजिर भी नहीं हुई है, कोई जवाब भी नहीं दी है। इस वजह से कोर्ट जो होता है पति की ही ज्यादा सुनता है, पति जब होता है तो उसी की ही सुनेगा, पत्नी का पक्ष कोई हाजिर नहीं रख पाता है। यहाँ पे सिर्फ पति का ही पक्ष रखा जाता है, जो पत्नी ने कंप्लेन किया है उसी के आधार पे कोर्ट उसकी बातों को देखता है। उसके बाद देखिए जो कोर्ट होता है यह भी पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके आधार पे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कोई अपराध नहीं बन रहा है। सिर्फ यही मुख्य आरोप है कि जो सास है वो गंदे चरित्र की महिलाएं हैं, काफी गलत महिलाएं हैं और वो उसे परेशान करती हैं। जो केस है मेंटेनेंस का उसे वापस लेने के लिए धमकाती हैं और कहती हैं जान से मार देंगे। तो सिर्फ इतनी बात के लिए यदि DV एक्ट का केस चलता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा, कि जो अन्य उत्पीड़न है चीजें हैं उसके लिए 498A चल ही रहा है, उसमें आरोप लगे हैं वो चलता रहेगा अपनी जगह। लेकिन इतनी सिंपली आदेश के लिए, सिंपल जो है आरोप के लिए DV एक्ट का केस नहीं चल सकता है, और इस वजह से ऐसे केस को रद्द कर देना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और हाई कोर्ट जो होता है DV एक्ट के केस को रद्द कर देता है। अब देखिए इस जजमेंट से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें जानने को मिल रही है कि यदि आपकी भी पत्नी ने DV एक्ट के तहत कोई केस दर्ज कराया है और उसमें उसने सिंपल कुछ आरोप लगाए हैं, जो जो भी आरोप लगाए हैं उनके आधार पे DV एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप चाहें तो अपने मामले को क्वेश करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।